गए। लेकिन चलिए देखते हैं, गॉडलाइक ने थोड़ी देर पहले जो किया था फोर राइवल्स, उसी चीज़ का जवाब पूछने आई है, इनसे सवाल पूछने आई है कि क्यों आपने हमारे एक इंडिविजुअल को पिक किया। बट नियो थोड़ा सा उनको गुमराह करते हुए अपने टीम मेट के लिए इंतजार कर रहे थे। लगे दो Z-God और Jonathan पीछे से क्लोज इन कर रहे हैं। यू नो इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा गॉड लाइक अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पे रिलाई करे अब से, बिकॉज चलिए जो प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर सकते आप इस मोमेंट पे, क्योंकि ऑफकोर्स नया जो नेचुरल हैबिटेट में एक बार आते हैं, नॉक्स निकालो, देन रिलाई ऑन योर टिंगलिंग सेंसेस, देन ये चीजें कर सकते हैं। दिस इज क्लासिक गॉड लाइक स्प्रेड, देखिए 2-2 का स्प्रेड है, नॉक भी निकाल दे। अगर इनकी रीड सही है, अगर ये फोर राइवल अलायंस है, तो यहाँ पे पुश करना लाजमी है और सेम चीज यहाँ पे कर भी रहे हैं। देखिए नियो एक तरफ से ऑलरेडी Z-God, Jonathan दूसरे तरफ से, स्मोक का यहाँ पे जो बिछौना यहाँ पे बिखेर दिया गया, उसके बीचों बीच जा ही रहे थे कि पेम्बोरू का एक शानदार ग्रेनेड आता हुआ और Z-God यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। एक फॉलो अप ग्रेनेड Jonathan के ऊपर आता हुआ, बट स्टिल समहाउ Jonathan इज अलाइव। Jonathan हैज टू गेट बैक इनटू हिज ओल्ड फॉर्म, डैमेज काफी ज्यादा दिया, एपी के ऊपर चढ़ के यहाँ पे यूएमपी के साथ भी नॉक कर दिया। बट रिथ की पोजीशनिंग देखिए, स्मोक्स के अराउंड खेल रहे हैं, बट नियो किधर है? नियो बहुत ही जल्दी इनको भी आना पड़ेगा क्लच कॉर्ड। आज के नियो बैक फ्लैंक कर रहे हैं, पेम्बोरू के साथ फाइट लेते हुए रिथ यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। एंड गॉड लाइक की तरफ से एक बेहतरीन स्क्वाड वाइप, but at the cost of Z-God. फिक्सेस बस एक प्लेयर यहाँ पे टीम ने खोया है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन स्क्वाड वाइप करके दिखाया है।